सर क्लियर। बढ़िया ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एवरीवन। नोटबुक वगैरह लेके सब बैठे हो ना, लानी किसी को नोटबुक पेन पेंसिल ले आओ। नहीं सर लिया है। बढ़िया चलो चालू हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड यू हैव 3 मिनट्स टू गो। शिट यू हैव 3 मिनट्स टू गो। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है अगेन। अ थिक करंट करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by ankush। actually this was the graph jo main tum log ko karana cha raha tha but main kara nahi pa raha tha। theek hai to yahi tha graph ki magnetic field aur r ke beech mein kaise plot hota hai। i have launched the poll, answer it on the poll। theek hai and this is something jisko maine class mein prove karaya hai tumko। agar tumhe yaad ho when we were doing the MPS circuit law the in that if you can recall mere ko acche se yaad hai ki maine example question tha to usme ek cheez karaya tha। नहीं नहीं ग्राफ तुम कर लोगे अपने आप, उसमें बच्चों वाला ग्राफ है यार। मतलब मैं समझा देता बट अभी मैंने जानबूझ के क्वेश्चन फर्स्ट उस पे रखा है कि एटलीस्ट ये चीज भी खत्म हो मेरी साइड से। कर लो सिंथिया अली, वेरी गुड अनामिका, बाकी लोग भी करो यार। जिसको कोई इशू होगा पूछना है ना, इट माइट पॉसिबल कि स्टार्टिंग एक दो तुम्हें सिंपल लगेंगे। थोड़ा मैंने कोशिश तो किया है, कहीं कहीं पे वैल्यूज चेंज करी हैं कुछ कॉन्सेप्ट। अरे उर्मिला बेटा पोल करते हैं अपन, ऐसे चैट में नहीं लिखते कभी। सबको क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। मैं बीच टाइम में भी एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, क्वेश्चन तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सोल्यूशन तो बाद में ही दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन आई कैन एक्सप्लेन। हाय आरती कर लो जल्दी जल्दी सब। भूमि रिकॉर्डिंग देख लेना यार। सर पोल करना नहीं आता। पोल करना नहीं आता बेटा, पोल के लिए क्या करो, देखो राइट हैंड पे देखो नीचे थ्री डॉट्स दिखा रहा होगा, क्लिक ऑन द थ्री डॉट्स। एज सून एज यू विल बी क्लिकिंग ऑन द थ्री डॉट्स उसके बाद देखना एक एक्टिविटीज करके दिखाएगा, और एक्टिविटीज में जाओगे तो पोल दिखाएगा, उसमें एक्टिव पोल दिखाएगा, क्वेश्चन नंबर वन दिखाएगा, पोल कर देना। ठीक है वेरी गुड गाइस, आई गॉट 20-22 वोट्स बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर 20 स्टूडेंट्स। देयर आर मोर देन 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। बाकी 20 बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, जिनको पहले से रटा हुआ था वो लोग भी कर दो, उनने तो सबसे पहले किया होगा ना। कम ऑन लास्ट 20 सेकेंड्स, बी क्विक गाइस बी क्विक, कम ऑन यार। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ। 30 वोट्स, बी क्विक, वेरी वेल गाइस, गुड गोइंग। मोर 10 स्टूडेंट्स गाइस, कम ऑन। बाकी 10 बचे हुए बच्चे भी जल्दी जल्दी वोट कर दो यार। लास्ट 3 सेकेंड्स 4 सेकेंड्स, बी क्विक। ठीक है आई एम एंडिंग द पोल नाउ। टीसी बच्चों ने किया यार, सबने अभी भी नहीं किया है। देयर आर मोर 10 स्टूडेंट्स, देखेंगे। देखो मैं बता देता हूँ अगेन, इट विल जस्ट बी अ फॉर्मेलिटी बिकॉज दिस इज समथिंग तुम जो ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन कह क्या रहा है, देयर इज अ थिक, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ थिक वायर। सो थिक वायर है मींस कि तुम्हें एक ऐसा वायर गिवन है ना, लेट्स से दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर गिवन टू यू, ऐसा तुमको एक वायर सा गिवन है। ठीक है और उसको अपन ने थिक वायर बनाया है। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ये काफी फेमस टॉपिक है नीट के लिए। लाइक अभी तक 3 बार तो आया है ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से चेंज होके, ठीक है, और मेंस में भी आया है। तो इसको ध्यान से समझो और करो, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वायर या रिंग, वायर या कंडक्टर है कुछ, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, दैट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज वायरिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, आर इज अ डिस्टेंस। तो तुम्हें पता है देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे बच्चों मेरे 2 पॉसिबिलिटीज पसंद है, सॉरी 2 पॉसिबिलिटीज ही पॉसिबल है। कौन सी वो 2 पॉसिबिलिटीज, या तो तुम आर अंदर कहीं निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, या तो तुम कहाँ निकाल रहे होगे, कहीं बाहर पे, बाहर पे है ना। बाहर के लिए बहुत इजी है, बाहर के लिए तो तुम बचपन से पढ़ते आए हो दैट बी एट एनी आउटसाइड पॉइंट इज नथिंग बट म्यू नॉट आई बाय 4 2 पाई आर। बोलो यस और नो, दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्रूव्ड एज वेल। अपन ने प्रूव भी किया था, किया था या नहीं किया था? यस सर किया था, यस सर, ठीक है। We have proved it in the class as well. बात रही अंदर की,
अगर बात कर रहा है वो किसी पॉइंट अंदर की, देखो इफ इट्स टॉकिंग अबाउट द पॉइंट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, तो तुम्हें पता है इसमें मान लो ये आर है, सो यू वेरी वेल नो कि एमपीएस लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल किसके बराबर होना चाहिए, म्यू नॉट आई आई इनसाइड इनसाइड द लूप, बताया था। सो अगेन वेरी सिंपल अजम्पशन, मान लो कि ये दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 एंड बी इज कॉन्स्टेंट, बी क्या है कॉन्स्टेंट है, सो इफ बी इज कॉन्स्टेंट एट दिस पॉइंट पी, तो तुम क्या बोलते हो कि बी को सर बाहर ले लेंगे, डॉट डीएल कर लेंगे और म्यू नॉट आई इनसाइड कर लेंगे, बोलते हैं ऐसा, बोलो यस और नो। बोलो ठीक है, अच्छा उसने करंट दिया हुआ है, चलो देखते हैं। अब वो कह रहा है कि दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट कह रहा है दैट दिस करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो तुम्हें पता है दैट अगर मैं तुमसे पूछूं ये पूरा जो एरिया होगा, ये जो पूरा एरिया होगा मान लो इसका, ये वायर का तुमने जो रेडियस माना है, लेट्स से दिस इज कैपिटल आर, कितना बच्चा मेरे ये कैपिटल आर है, तो तुम्हें पता है यू वेरी वेल नो दैट दिस पाई आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सो मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, एक यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर में कितना फ्लो करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर, बोलो यस और नो। और यहाँ पे तुम्हें आई साइड में क्या रखना है, यू हैव टू पुट द करंट जो इतने पोर्शन में फ्लो कर रहा है, दिस मच पोर्शन, तो इतने पोर्शन का रखना है, सो व्हाट वी कैन राइट, इसके लिए मान लो अगर इसमें x x फ्लो कर रहा है तो तुम क्या लिखोगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल इनटू आई, यही करंट होगा जो आई इनसाइड बनेगा, बोलो यस सर। हाँ इनवर्सली आने वाला है ऑल इन ऑल रिलेशन, देखते हैं आकृति इसमें डायरेक्टली आएगा, देखते हैं अभी, तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, बी डॉट डीएल कितना हो जाएगा, 2 पाई छोटा आर म्यू नॉट आई इनसाइड कितना हो जाएगा, देखो पाई स्मॉल आर स्क्वायर आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई हटा देते हैं एंड लेट अस राइट टू हियर, सो व्हाट विल बी गेटिंग, आर से एक आर भी कैंसिल हो रहा है, सो म्यू नॉट आई बाय पाई आर स्क्वायर लेट्स टू, अच्छा इसको अलग रहने देते हैं और बाकी जो एक नई वैल्यू है उसको मेन रखते हैं आर, तो अपना एक छोटू आर इधर बचेगा, सो ऑल इन ऑल यू कैन सी गाइज कि अंदर पे जो भी है ये चीज पूरी कॉन्स्टेंट है, जो भी मैंने उससे लिखी हुई है पिंक से, एनीथिंग दैट आई हैव रिटन विद द पिंक इज कॉन्स्टेंट, सो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, अगर इनसाइड द कंडक्टर है, याद रखना इनसाइड द कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रही है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और आउटसाइड के लिए क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो अब तुम्हें पता है अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान से देखोगे, इफ यू अज्यूम दैट बी इज अ व्हाट यू से b is a perpendicular, we are taking b is in perpendicular axis and r is in taking, r we are taking horizontal axis, so we can say it's nothing in the form of y equals to mx, yes or no, है ना, so all in all तुम्हें समझ में आ गया यहाँ पे linear relation मिल रहा है, बच्चा सा question था, तुमने यहाँ से check किया कि okay यहाँ से लेके जो भी उसका distance होगा, मतलब उसका thickness का जो भी होगा radius, up to that radius you will be getting the linear relation, उसके बाद you will be getting the hyperbolic relation, ये याद रखना कैसा relation होता है, हाइपरबोलिक बोलते हैं, जब भी हाइपरबोलिक रिलेशन अपने कब कब मिलता है, इनवर्स रिलेशन, जब भी कैसा रिलेशन होता है, देखो मैंने उल्टा लिखा है, किसी ने बोला भी नहीं, लोग देखते नहीं हो, सर ने गड़बड़ लिखा है, ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चल भी है ना, सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत चंपू क्वेश्चन था, चलो गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, अगेन इजी, पहले दो तीन इजी हैं, कर लोगे तो मुझे इस पे तो पूरा भरोसा है, सो द पोल इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, आई होप यू ऑल कैन सी दैट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि बहुत ही लंबा सोलेनोइड है, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, कह रहा है बहुत लंबा और 50 सेंटीमीटर लेंथ भी दी है, इजंट इट स्ट्रेंज, सर कितनी कम है और कितनी लंबा है, तो वो किसकी रिस्पेक्ट में लंबा है, अपनी थिकनेस की रिस्पेक्ट में, ठीक है, 100 टर्न्स कैरी द करंट 2.5 एम्पीयर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, अरे बहुत चंपू क्वेश्चन है, तो है ना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, करो जल्दी जल्दी, पोल्स तुम्हारी स्क्रीन पे हैं, अब तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया वैसे मेरे पास, किसी ने भी नहीं किया, पोल दिख नहीं रहा है क्या तुमको यार, सर दिख तो रहा है, करो फिर जल्दी से यार, तो इजी क्वेश्चन है, दिस इज अ 30 सेकंड क्वेश्चन, कम ऑन गाइस,
जल्दी, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड ना, देर आर मोर देन 40 स्टूडेंट्स, ओके, आई वांट एटलीस्ट 43 42 पोल्स, क्या नाम है का, बढ़िया, चैट में मत लिखना यार कोई, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, ना माइक ऑन करके चिल्लाना, पोल सबको करना आता है, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तुम क्वेश्चन मेरे से पूछ जरूर सकते हो, तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी इश्यूज विद द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट। लेट्स सी कितने लोग ने वोट किया, पोल शो नहीं हो रहा मेरा, ऐसा भी है क्या यार, पोल नहीं शो हो रहा गाइस, सर नेटवर्क इशू होगा उसका, यहाँ तो हो रहा है, ओके मिसबा रीजॉइन हो रहा है, रीजॉइन रीजॉइन रीजॉइन, ओके देवयान थैंक्स फॉर टेलिंग गाइस, कम ऑन बी क्विक, इट्स क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, आई गॉट ओनली 11 वोट सो फार, कम ऑन चेयर अप, जल्दी जल्दी जल्दी, सिंपल क्वेश्चन है, लॉन्ग सोलेनोइड फॉर्मूला तुम्हें पता है, बी इक्वल्स टू फॉर्मूला लिख देता हूँ लो में, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट, अरे यार फॉर्मूला इज ऑन योर स्क्रीन, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, लो फॉर्मूला लिख दे दी, आप तो कर लो जल्दी से, करो करो कम ऑन, 13 वोट्स, बी क्विक, कम ऑन गाइस, देयर आर मोर देन 40 स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो ना भाई, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे से करेंगे, कम ऑन, लास्ट 4 सेकेंड्स, 3 2 1, टाइम्स अप गाइस, इजी क्वेश्चन था, सो एज यू कैन सी द रिजल्ट, आई एम शेयरिंग द रिजल्ट विद यू ऑल, देखो रिजल्ट खुद देखो, कितने बच्चों ने पोल किया है, दिख रहा है तुमको रिजल्ट, 17 स्टूडेंट्स डन द पोल, और 17 में से अनामिका कितों के सही हैं, आई थिंक कितों का सही है 17 में से, कोई गेस करेगा 17 में से कितने सही हैं, मैं बोलूंगा 5, मैं क्या बोलूंगा, कितने बच्चे सही हैं, चलो सॉल्व करते हैं, शेल वी, चलो देखो, सबसे पहली बात तुमको बहुत बार बताई थी क्लास में, कॉन्सेप्ट चेक भी कराया था, यहाँ पे ये एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ, ओके, पोल क्लोज कर दिया मिसबा, हाँ यार लेट हो गई थी, आंसर क्या है बता दे चैट में, चलो देखो लिख रहा हूँ मैं, आई एम राइटिंग इट ऑन योर स्क्रीन, सो बी इज नथिंग बट म्यू नॉट, अच्छा पहले म्यू नॉट की वैल्यू तो बताओ मुझे, 4 pi / 10^-7, फिर तुम लोग आधा बोल के रुक गए, 4 pi × 10^-7, आगे बोलो ना, पढ़ाया है पूरा भाई, वेपर पर एम्पीयर मीटर, ये मैं जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, आई रियली वांट यू टू लर्न दिस, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, ठीक है अब चलो मैं तुम्हें बता दूंगा कि रीजन क्या है इसको लिखने का, ये है इसका आंसर, लेट्स सी मिसबा, लेट्स सी, मेरे को याद नहीं है आंसर, आई एम होपिंग, मेरे हिसाब से कुछ तो बी टाइप आना चाहिए यार, देखते हैं चलो, तो निकालते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी, 4 pi × 10^-7, एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100/0.5 × I0 2.5, 0.5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20 × π, ये हो गया 10^ कितना, -7 और -5 हो गया, तो 10^-4 आई थिंक, ओके मिसबा इज करेक्ट, 6.28 × 10^-4, क्या देखो मेरा सही आंसर आया है सर, तो जो तुम लोग कह रहे थे सर सी होगा ना, इसका आंसर सी सी क्यों होगा, जब मैंने अभी निकाला है तो कितना होगा भाई, डी जब निकाला तो डी होगा ना यार, ये क्या बात होती है, अब सुन लो मेरी बात, सब रिजल्ट देखो जाके एक बार, सब पोल्स के रिजल्ट देखो, 17 है वोटेड, 17 में से कितने ने वोट किया है सही, 2 लोग ने, 2 बच्चों ने, चिल्ला चिल्ला के बताया था तुमको भाई ने कि ऑलवेज कीप इन माइंड एन इज नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अरे यार मिसबा ठीक है तेरा सही रिजल्ट ले रहा हूँ, तीन लोग ने उसने भी सही बताया। ठीक है देखो यहाँ पे अब जो तुम लोग ने मोस्टली गड़बड़ करी होगी वो तो या तो ये करी होगी कि इसको तुमने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज किया होगा, है ना। इज इट सो? ऐसा था क्या कोई ऐसा जिससे पावर में इस वजह से गलती हुई? बोलो इज इट सो, बोलो ना, बोलो। मैंने छोड़ो, मैंने इसलिए जानबूझ के पावर, देखो मैंने मीटर इसलिए इधर लिखवाया है क्योंकि जब तुमने वैल्यू याद रखी है when you are learning कि 4 pi की वैल्यू है, सॉरी mu naught की वैल्यू है 4 pi into 10 to the power minus 7, तो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि वो तुम वैल्यूज किस में याद कर रहे हो? SI यूनिट्स में, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, वेबर पर एम्पियर मीटर में। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में ही तुम्हें रख के सॉल्व करना है तो यहाँ पे 10 to the power minus 9 रख के सॉल्व करो। Is that clear to you all? Shall we move on to the next question now? दूसरा क्वेश्चन करेंगे? Yes sir. Okay, सबको क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ठीक है, गड़बड़ नहीं करेगा कोई भी। ओके राइमा, चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके लेट्स सी, करो चालू हो जाओ। अगेन वेरी इजी, यू विल बी गेटिंग 30 सेकंड्स फॉर इट। मैं इसको 30 सेकंड में ही बंद कर दूं पोल को, तो चलो एक मिनट दे दूंगा क्योंकि अभी पोल क्योंकि मैंने लॉन्च नहीं किया, सो आई एम लॉन्चिंग द पोल। ठीक है, पोल इज ऑन योर स्क्रीन एंड मैं इसको बंद कर दूंगा 40 सेकंड में, करो जल्दी। Very easy. There are two toroids, one and two have total. It's total, man. It's total number of turns, 200 and 100 respectively with average radii 40 and 20. If they carry same current I, the ratio of the magnetic fields along the two loops. बहुत बढ़िया. चालू हो जाओ जल्दी से. You know the answer, guys. Be quick. हाँ. Typing mistake. Typo error, typo. Typological errors are not the errors in physics. याद रखना। चलो बंद करूं क्या यार पोल, काफी टाइम दे दिया तुम लोग को ना नामे का। इजी है क्वेश्चन, तो हो गया सबका। मनोज हो गया भाई, आज तो समझ में आया सर, हो गया सर, कर दिया। वरुणी निदा क्लियर है? कर लो जल्दी जल्दी कर लो सर, कर दिया पोल। हाँ इजी है, बहुत बढ़िया। बट आई गॉट ओनली 26 वोट सो फार, थोड़ी देर के लिए और विंडो ओपन रखते हैं। दिविशा डन, ख्याति किरण, खुशबू, खुशदीप कर रहा है बेटा? यस सर हो गया डन। खुशदीप एक्टिव नहीं रहता यार भाई आजकल तू, कम ऑन। सुमिता, तरुण, वरुणी, विधि, विशाल, बी क्विक, कर लो। देवयानी डन, चलो आई एम एंडिंग द पोल देन। आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है इसके लिए, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, यू डोंट इवन हैव टू सॉल्व इट। इसको तुम्हें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है सर, क्वेश्चन से ही पता लगा, सर क्वेश्चन है ना पूरा पता लगा। हाँ क्वेश्चन से ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए था तुरंत, जिसको अगर याद नहीं है पहले से तो तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हें पता है। अभी तुमने फॉर्मूला बनाया दैट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे करंट सेम कह रहा है वो, सो जो चीजें डिपेंड करेंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी? इफ इट इज सेइंग दैट करंट इज सेम, तो चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? नो डाउट थिंग्स विल डिपेंड ओनली ऑन द एन, और एन तुमको अभी मैंने ऊपर बताया क्या है, याद कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ। तो कोई बात नहीं, अगर देखो इसके नंबर ऑफ टर्न्स इससे डबल है तो इसकी लेंथ भी तो इससे डबल है। अब लेंथ कैसे डबल है? यू वेरी वेल नो, मैं एन वन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 200 अपॉन 2 पाई 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिखूंगा, और मैं एन टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 100 अपॉन 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लिखूंगा या नहीं? सो ऑल इन ऑल यू गाइस कैन सी आई विल बी गेटिंग द सेम थिंग, दीस टू वैल्यूज आर इक्वल प्रणव, है ना, इजी था। लेट्स हॉप ऑन टू अनदर क्वेश्चन, बढ़ेंगे। क्लियर है सबको? गाइस आई एम आस्किंग अगेन, इफ यू हैव एनी इश्यूज छोटे से छोटा पूछो, अभी क्लियर करना, आज के बाद नहीं रहना चाहिए कोई भी गड़बड़। 30 वोट आए थे तो मतलब 13 लोग को दिक्कत हुई थी सॉल्व करने में, सो आई वांट ऑल द अदर 10 और 12 स्टूडेंट्स टू कोप अप विद द टू कम अप विद देयर प्रॉब्लम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल इज देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर ऑन योर स्क्रीन। अगेन इजी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसने किया होगा, हो सकता है क्योंकि ये पास्ट ईयर का ही है एज इट इज, सो सम ऑफ यू ऑलरेडी नो द आंसर।
ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं है, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग द ऑप्शंस फॉर यू. लेट्स से ए ऑप्शन इज 3/4 म्यू नॉट आई बाय 3/4 म्यू नॉट आई बाय, या इसको ऐसे कर लेते हैं, आई वन प्लस आई टू बाय ए. ठीक है, बाय ए इसको कर लेते हैं, या इसमें आर दिया है इसको आर कर लेते हैं. तो दिस इज आर, लेट्स से ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज 2/1/4 म्यू नॉट बाय आर आई वन प्लस आई टू. ठीक है, ऑप्शन सी इज 3/4 म्यू नॉट बाय आर आई वन माइनस आई टू, एंड डी ऑप्शन इज लेट्स से 0. ठीक है, ऑप्शंस तुम्हारी स्क्रीन पे हैं. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई विल एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन, जिसको नहीं समझ में आ रहा है. सो देयर इज अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई, स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स. वो दो पार्ट्स में करंट कैरिंग कंडक्टर था, ऐसा ऐसा डिवाइड हो गया है. शोन इन द फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, एक सर्कुलर लूप है उसका रेडियस आर है. द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आर ऑफ द लूप इज, तुमसे इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है देवयानी, एंड इट्स गिवन टू यू दैट दिस इज 30 90 डिग्री. अरे आई वन आई टू की क्या वैल्यूज है हमें नहीं पता है, हमें बस इतना पता है कि हमें इधर से बेटा कोई करंट आया है ना, एंड दैट करंट इज क्या थी, गेटिंग डिवाइडेड इनटू द टू करंट आई वन एंड आई टू. दिस थिंग्स आर गिवन टू यू. हाँ याद है बच्चों को क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया, सही रट रहे हो तुम लोग. सर पर जो इसमें क्या क्या थी, क्या थी कुछ पूछ रहे हो बच्चा? अरे मनोज क्या यार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. क्या गुंडा बनेगा मनोज तू. सर सर सही है क्या मेरा आंसर? चैट में लिखा इसने वो भी गलत आंसर, देख रहो. चलो गाइस अभी चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ तो पोपट कर दिया मनोज ने हम अपना जितनी इन द पोल, सो आई एम एंडिंग द पोल. आई गॉट 20 वोट्स आउट ऑफ विच 18 इज करेक्ट, वेरी वेल गाइस. बाकी लोग यार 20-25 बच्चे जो भी हैं जिनको नहीं समझ आया वो लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जिनको क्लियर नहीं है आई वॉन्ट देम टू लुक हियर. देखो ध्यान से, क्वेश्चन तुमसे कह रहा था कि यहाँ पे करंट आया है, दैट इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स, तो तुम्हें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी. तो तुम पहले ध्यान दो, सब इधर, सब लोग इधर ध्यान दो. अभी बी वन क्या लिखेंगे अपन, व्हाट वी कैन राइट बी वन, बी वन लिखेंगे, बी वन मतलब करंट ड्यू टू दिस लूप, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप जिसमें आई वन करंट है. अच्छा इसके जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा इसके जैसे? सर इनवर्ड, इनवर्ड होगा. सबको चीज क्लियर है, कोई ऐसे इसको नहीं समझ में आ रहा कि इनवर्ड होगा? यू कैन अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड पाम रूल, आइडियल क्रॉस आर, जो लगाना है लगा लो. सबको समझ में आ रहा है बट कि इनवर्ड होना चाहिए. सो लेट्स से दिस इज इनवर्ड, आई एम राइटिंग इट विद अ नेगेटिव साइन. कुछ भी ले सकते हो तुम, पॉजिटिव किसी को भी, नेगेटिव किसी को भी और मिला. तो ये नेगेटिव है, व्हाट यू विल बी राइटिंग, क्या पढ़ाया था सर ने, म्यू नॉट अपॉन 2 आर होता है जनरल की वजह से, होता है नहीं होता, जनरल रिंग की वजह से, और okay. जिस थीटा एंगल पे सब्टेंड कर रही होती है आर्क, अभी ये आर्क है तो ये आर्क का ये एंगल कितना गिवन है, 3π/4 या सॉरी 3π/2 बोलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 3π/2 हो जाएगी, 3π/2 और डिवाइड बाय 2π. समझ में आया मैंने ये क्या लिखा है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया व्हाट आई हैव रिटन हियर, इज देयर एनीवन जिसको समझ में नहीं आया ये क्या लिखा सर ने, बोलो गाइस यू हैव टू से, क्लियर है निदा, अल्पना, अनिशा, यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर? आशुतोष क्लियर है बेटा, दीपांशु, दीक्षा, गौरव, गुंजन, गौरव, गौरव, जानवी, काजल, कशक, सब बोलो यार, वरुणी, किरण, निंसी, इज दैट क्लियर टू यू ऑल, शनाया, रहिमा, सबको क्लियर है आई होप, सबकी क्लास में चीज हो चुकी है तरुण, है ना विधि बेटा, क्लियर है चीजें, यशिका, ऑल गुड, चलो सबको क्लियर है. अब सेम यू कैन कैलकुलेट फॉर बी टू, बी टू कितना होगा, अच्छा बी टू कैसे कैसा होगा, इनवर्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड सर, आउटवर्ड, बहुत बढ़िया, आउटवर्ड होगा.
सबको क्लियर है दैट इट शुड बी आउटवर्ड विशाल, है ना? ध्यान से देख लो, किसी को भी कंफ्यूजन हो पूछना मुझसे, ओके? सो इट्स आउटवर्ड. सनाया बताना है क्या कुछ बेटा? वो एंगल समझ में नहीं आया. एंगल समझ में नहीं आया बेटा, देख ले देख, ये देख. यू वेरी वेल नो व्हेन आई वाज टीचिंग यू दिस, मैंने बताया था कि जनरल पूरी रिंग होती है, तो पूरी रिंग के लिए अपन क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन, अरे यार आई नहीं लिखा, इसमें आई वन डाल दो. पूरी रिंग के लिए अपन क्या लिखते हैं? म्यू नॉट आई बाय टू आर, यही लिखते हैं. Then I told you if there is any general angle theta, तो उसके लिए theta upon 2 pi से इसका multiply करा देना, where this theta needs to be in radian. Yes. पढ़ा है? I told you this. तो अभी अपन I1 के लिए निकाल रहे हैं, तो I1 के लिए मैंने बोला ये एंगल कितना हो जाएगा? 3 pi by 2. कैसे हो जाएगा? अरे ये pi by 2 है, जिसको तुम ऐसे फोर्थ पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये 1, 2, 3, 3 पार्ट ये ले गया, एक पार्ट ये ले गया, नहीं? तो ये एंगल अगर pi by 2 है, ये pi by 2 है, ये pi by 2 है, ये pi by 2 है, तो ये 3 pi by 2 हो गई ये पूरी आर. Yes. बोलो, is that clear? तो सेम थिंग आई डिड, 3 पाई बाय 2 बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है? ओके सर. एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने लोगों ने किया है ना ये, उनको पहले से याद था, मैक्सिमम लोगों को पहले से याद था, सॉल्व बहुत कम लोगों ने किया होगा, ठीक है? बिकॉज जितनी जल्दी तुम लोगों ने पोल किया उतनी लगती है सॉल्व करने में, बट इट्स फाइन. अगर तुम्हें चीजें समझ में आ गई हैं देन तुम आंसर कर रहे हो, दैट्स फाइन, नो इशू. यहाँ से तुम्हारा बी वन आ गया, बी टू कितना हो जाएगा? देखो बी टू, अगर मैंने इसको निगेटिव लिखा है, बी टू को मैं पॉजिटिव लिखूंगा, बिकॉज बी टू का डायरेक्शन कैसा होने वाला है? आउटवर्ड. तो B2 को मैं क्या लिखूंगा? म्यू नॉट I2 बाय 2R पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, यही लिखूंगा. बोलो, I'll be writing this. क्लियर है सबको ये चीज? अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर दीज टू थिंग्स, तो यहाँ पे तुम्हारा मेन कल्प्रेट क्या है? I1 और I2. व्हाट इज योर मेन कल्प्रेट? है ना, इसने I1 और I2 बेटा यहाँ पे कल्प्रेट है विधि, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट I1 एंड I2. तो अभी विधि को सोचना है कि वो किस तरीके से I1 I2 में रिलेशन निकाल सकती है, या तो I2 I1 के टर्म में या I1 I2 के टर्म में. तो तुम्हें पता है विधि को कि यहाँ से एक करंट आया, इधर इधर स्प्लिट हो गया, फिर यहाँ से वापस मिल गया. तो इज दिस अ केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है या ये नहीं है? इफ आई एम सेइंग दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ए और बी पे जो भी पोटेंशियल होगा उसके अक्रॉस यहाँ पे दो वायर्स लगे हैं पैरेलल. बोलो यस और नो, क्लियर है यशिका? ओके, देखेंगे वरुण ध्यान से. अभी देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, तुम्हें पता है आई कैन राइट दैट अ पोटेंशियल अक्रॉस वन करंट इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस टू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द कंडक्टर्स इज सेम. सो सनाया आई कैन राइट दिस, ध्यान से देखेंगे क्या 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 पोटेंशियल इक्वल है ना? हाँ वही तो लिखा, वी वन इक्वल टू वी टू, है ना प्रणव? अब yes, तुम्हें पता है क्या होता है, आई वन आर वन, इसको अपन एक काम करते हैं छोटे आर से लिख देते हैं, बिकॉज कैपिटल आर ऑलरेडी एक है, इसको लिखेंगे आई टू आर टू. यस सर. अब ध्यान से देखना इसको, इधर लुक हियर वेरी केयरफुली. आर वन को अपन क्या लिख सकते हैं? रो एल वन बाय ए. आई टू को भी क्या, आर टू को भी क्या लिख सकते हैं? रो एल टू बाय ए. कैन आई राइट दिस सर? यस. देखो रो से रो के सेम मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सो ऑल इन ऑल यू विल बी गेटिंग आई वन एल वन इक्वल्स टू आई टू एल टू. क्लियर है सबको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2, तो ही काम बनेगा. L1 एंड L2 के लिए अगर जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तुम उससे भी समझ सकते हो या तुम अपना पूरा मेथड लगा के भी समझ सकते हो, बट तुम्हें पता होगा अगर मैं डायरेक्टली भी लिखूंगा, सो आई एम होपिंग कि तुम समझ जाओगे. देखो मैं लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेना है. तुम्हें पता है ये यहाँ से लेके जो ये यहाँ तक की आर्क फॉर्म होगी, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? आई विल बी राइटिंग इट एज कितनी होगी, 2 पाई आर डिवाइड बाय 3 बाय 4, यही होगा. ये जो लेंथ होगी L1, L1 यही होगी 3 बाय 4 2 पाई आर अपॉन 4. बोलो, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछना यार. यस सर. नहीं आया दो. नहीं आया, चलो एक काम करो, इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो, छोटे करके देख लो. L1 जो होगा, अगर ये पूरी लेंथ जो पूरा पेरीमीटर है अगर वो L है, तो L1 3 बाय 4 L1 होगा. बोलो, ऐसे समझ लो छोटे में, अभी जल्दी समझेगा. कुछ नहीं है यार, ये देख मनोज, ये इसको मैंने ऐसा चार पार्ट में बांटा हुआ है. तो ये L1, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है, ये एक लेंथ है. ओके सर. हेलो, ये क्या हो गया? हाँ सर, है ना ऑडिबल. तो ये चार पार्ट में थी, तो ये वन पार्ट, टू पार्ट, ये टू पार्ट, ये थ्री पार्ट, ये फोर पार्ट. तो इसको मिलेगा कितना? L by 4, और ये बचा हुआ 3L by 4 किसको मिलेगा? बड़ी वाली लेंथ को. अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है. अगर मैं L2 लिखूंगा तो व्हाट आई विल बी राइटिंग फॉर L2, L2 को मैं क्या लिखूंगा? L by 4 लिखूंगा.
यस सर, एल बाय फोर। अब बस वैल्यूज तुम्हें सब्सटीट्यूट करनी है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। यहाँ पर जैसे ही तुमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तुम्हें पता चल गया I1 कितना आ गया है। देखो I1 इज 3/4 L1, I2 कितना आ गया है? I2 L/4, 4 से 4 बेटा, यू विल बी गेटिंग I2 इज 3 I1। यहाँ से अपना रिलेशन आ गया है एंड एज सुन एज यू आर गेटिंग द रिलेशन, तुम जैसे ही यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट करोगे, एज सुन एज यू विल बी पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2, तुम्हें साफ दिख जाएगा कि जैसे ही तुमने I2 वैल्यू 3 I1 पुट करी तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों क्या हो गए हैं, सेम। यहाँ पे भी 3/2 था, यहाँ पे भी देखो तुम्हें 3/2 मिल जाएगा जैसे ही तुम 3 I1 पुट करोगे। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर एंड यू विल बी गेटिंग 0 एज एन आंसर। क्लियर है सबको क्वेश्चन अभी या सॉल्व करके बताओ? सर क्लियर, सर क्लियर एवरीवन। जिसको आ गया था आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, उनने कर लिया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। बट जिसको नहीं आया है वो लोग बोलो अभी एक बार, सबको समझ में आ गया? अभी आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स ओपन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। तो इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई एम लॉन्चिंग द पोल। ओके, पोल इज ऑल्सो देयर ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे अभी किया है, बच्चा क्वेश्चन है, बहुत चंपू क्वेश्चन है, अभी सॉल्व किया है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B and B dash at a radial distance A/2 and A respectively from the axis of the wire. B बोल रहा है magnetic field है A/2 distance पे, यानी wire के अंदर ही कहीं, और B dash बोल रहा है A पे, यानी circumference पे कहीं, at the perimeter. Question clear है सबको? Anyone wants me to explain the question again? I can. कर लो, चलो sincerely करो। हाँ मैं कुमकुम समझा रहा, देख कुमकुम कुछ नहीं, अभी अपन ने ऊपर वो पढ़ा था ना जिसमें मैंने तेरे को ग्राफ पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन याद है? यस सर। अच्छा सेम क्वेश्चन है, बस उसने अभी ग्राफ ना पोल के क्या बोला है कि मुझे रेशियो बताओ किसमें, मैग्नेटिक फील्ड्स में जो दो वैल्यूज निकलेंगी। सो एक वो पूछ रहा है कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसका रेडियस ए है सो A/2 पे, और एक मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है उसके सर्फेस पे। अभी जस्ट जैसे तेरे को बताया बिल्कुल वैसा क्वेश्चन, सेम एज इट इज। ओके सर, डन सर इन पोल। मेरे को पता चलता है यार तुम लोग ने किस चीज का पोल किया, आई कैन सी दैट। परेशान मत हुआ करो तुम लोग। ओके सर, ओके सर। कर लो जल्दी से कर लो। ये क्वेश्चन ना मेरे मन में एक लाइक आई वॉज इन डायलेमा till this question, I was really in dilemma and I think that dilemma will be clear now. मैं एक शंका में था, जो शंका इस question के बाद I think clear हो जाएगी शायद से, देखते हैं। बस मेरे को हमेशा से लगता था कि तुम लोग रटे रटाए questions करते हो, तो मैंने अभी आज change तो करी है values थोड़ी, I really tried कि change हो जाए। हाँ अप्रोच तो सेम रहेगी यार, अभी अप्रोच कहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ? क्वेश्चन सेम, अप्रोच सेम, फिजिक्स सेम, आई कैन नॉट चेंज द फिजिक्स, फिजिकल लॉज आर प्री डिफाइंड, नो वन कैन चेंज, इवन नो वन कैन डिराइव द न्यू लॉ, इट्स समथिंग दैट इज ऑलरेडी सेट बाय द नेचर, हम सिर्फ उसको मैथमेटिकली मॉडलाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। लास्ट 2 सेकंड गाइस एंड द टाइम इज अप, टाइम अप, टाइम अप कर रहा हूँ मैं। ओके टाइम अप, टाइम अप गाइस, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम सब, तुम्हारा टाइम खत्म होता है, ठीक है? करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एक बार तुम लोग रिजल्ट देख लो कैसा गया, अपने आप तुम्हें पता चलेगा। तो लाइक यू ऑल कैन सी कि कितने वोट्स आई गॉट, 23 वोट्स, 23 में से 10 सही है, मतलब 50% भी नहीं गया यार रिजल्ट तो, मतलब समझ रहे हो 1/4 जा रहा है यार, 40 बच्चा क्लास में, 45 बच्चा, 20 बच्चा आंसर कर रहा है और 10 बच्चों का सही आ रहा है। It's not at all a good performance guys, you have to little work hard में भी सिर्फ practice करना है रे, theory तुम्हें घोल के पिला दी है मैंने, theory में तो गड़बड़ नहीं करोगे at least, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो मैं
बता देता हूँ, ऑल्दो मैंने अभी प्रूफ कराया है तुमको, बट फिर भी एक बार करा ही देता हूँ फिर से। तो देखो जैसे अपन ने कुमकुम अभी किया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन में ही किया था ना, ऐसा अपने पास क्या था, एक सिलेंड्रिकल वायर था, तो अपन ने उस वायर के लिए अभी इसको प्रूफ किया था। तो तुम्हें अच्छा अगर मैं सर्कमफ्रेंस में पूछूं, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस में तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस में कितनी आएगी, म्यू नॉट पाई बाय 2 पाई आर, है ना, म्यू नॉट, अरे यार सर्कमफ्रेंस में तो कितनी आएगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ए डिस्टेंस पे आई बाय 2 पाई ए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, यही आएगी बच्चों। यस सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन, अरे यार इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है किसी को, है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स सी अंदर पे कितनी होगी, तो अंदर पे अभी देखो अभी लास्ट टाइम भी किया था अपन ने ये, मान लो अभी अंदर पे है ये पॉइंट ए बाय 2 डिस्टेंस पे, सो यू वेरी वेल नो इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाओगे, इंटीग्रल बी इनसाइड जो तुम्हें निकालना है ए बाय 2 पे डॉट डीएल किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड, बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, डॉट डीएल कितना हो गया 2 पाई ए बाय 2। ध्यान से देखते चलना, जिसको नहीं समझ आया प्लीज फील फ्री टू आस्क मी योर क्वेरीज। नाउ व्हाट इज आई इनसाइड, आई इनसाइड क्या है, यहाँ पे करंट है जो अंदर से फ्लो हो रहा है, वो कैसे आएगा, तो करंट तुमको यहाँ पे बोल रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। तो सेम चीज जो अपन ने लास्ट टाइम करी थी सुनाया, व्हाट वी कैन डू, म्यू नॉट आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई इनसाइड लिखने के लिए आई बाय लिखेंगे पाई कैपिटल ए, ये ए स्क्वायर है ना, और ये 2 पाई का 2 पाई रहने दो, कैपिटल ए स्क्वायर, और ये तुम्हें पता है ये पूरे में कितने पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पूरा फिर ये तुम्हें पता है ये पूरे में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कितने में, पाई ए बाय 2 के होल स्क्वायर पे हो रहा है, नहीं बोलो, यस क्लियर है, सो आई कैन कैंसिल आउट, देखो पाई से पाई हटा दो, लेट्स कैंसिल पाई फ्रॉम पाई, ये पाई से पाई हटा दो, और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक पाई एक्स्ट्रा लिखा है यार मैंने, कैसे ए स्क्वायर, एक पाई एक्स्ट्रा लिखा, एक पाई तो एक्स्ट्रा लिखा यार, ये यहाँ पे ये फालतू लिखा हुआ था, ये नहीं आएगा, रुक जाओ, नहीं म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड अपॉन पाई ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, और ए ए बाय 2 से एक बाय 2 से हो रहा है, ए ए बाय 2 से ए बाय 2 डायरेक्ट पूरा काट देता हूँ, ठीक है, और देखते हैं, चलो अब एक ए से एक ए काट देता हूँ, तो देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे आ रही है बी ए बाय 2 इज नथिंग बट म्यू नॉट आई बाय कितना आ रहा है, 2 2 4 2 2 4, ये 2 और ये 2 मिलके 4, सो 4 पाई ए, बोलो आ रही है, इज दिस व्हाट यू आर गेटिंग फॉर बी ए बाय 2, नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड द रेशियो, तुमने जैसे रेशियो फाइंड आउट करोगे यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, इफ यू विल फाइंड, ये मान लो तुम्हारा बी डैश है, ये तुम्हें बी डैश गिवन था, नहीं एक मिनट, ये तुम्हें बी डैश गिवन था, दिस इज गिवन टू यू एस बी डैश, ये तुम्हारा बी डैश था, तो यू विल फाइंड बी डैश अपॉन बी, क्या लिखोगे 1 बाय 2 अपॉन, माय बैड, वी हैव टू कैलकुलेट बी अपॉन बी डैश, सो इफ यू राइट इट यू विल बी गेटिंग 1 बाय 4 अपॉन 1 बाय 2, क्या आ जाएगा बच्चों मेरे यहां से 1 बाय 2, क्लियर है सबको, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए, सही है ना, यस सर, आगे समझ में, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऑल गुड विद एवरीवन, गाइस बोल दो एक बार सब, चलो ठीक है ठीक है, चलो लेट्स ओपन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका भी थोड़ा सा चेंज किया है मैंने कि तुम लोग याद करके ना हो, इसीलिए पोल इज देयर ऑन योर स्क्रीन गाइस, क्वेश्चन रीड करो, समझने का ट्राई करो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं आई थिंक जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, आई टोल्ड यू ऑल हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, सिंसियरली करो इसको, ट्राई करो, देखो कैसे क्या होगा,
जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं थोड़ी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे बस देखो क्या उनने चेंज किया है, एक तो प्लेन चेंज किया है, ये जो रिंग रखी हुई है वो इस प्लेन में रखी हुई है, ठीक है, इस प्लेन में है तुम्हारी रिंग, ठीक है, ये एक प्लेन है और एक तुम्हारे पास दूसरा प्लेन है जिसमें उन्होंने क्या रखा हुआ है, ये वाला प्लेन, ये अलग प्लेन है ना, ये सही, ये अलग प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन था ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वाला वर्टिकल प्लेन है। क्या कर रहे हो यार बच्चों, कम ऑन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछना। कह रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है लूप में, मैं हिंट भी देता चलता हूँ, चलो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अनदर इज इनफाइनाइट वायर, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, कम ऑन। इसमें बस मैंने इतना चेंज किया है, जब ये नीट में आया था, आई थिंक 2019 का है, कब का है नीट का उड़ीसा, तो इसमें क्या हुआ था, दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट यू कॉल वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में उनने पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बस कुछ नहीं किया, मैंने तुमको बोला मैग्नीट्यूड बताओ मुझे मोटा मोटा, वेक्टर से मतलब नहीं है। आया अनामिका, आई बिलीव सही है तेरा, कर लो तरुण, उर्मिला ट्राई टू डू इट, विधि चीजें क्लियर हो रही है ना बच्चा, ओके कूल, यशिका वरुणी ऑल गुड, उर्मिला तरुण सुमित स्नेहा एवरीवन ऑल गुड, फिर यस सर, से पूछा ही नहीं मैंने, यस सर सर मुझे आपने पता है बोल तू अच्छे से पढ़ता है भाई, तो मैं बता रहा था, तू तो अच्छा सिंसियर बच्चा है रे। चलो टाइम सब गाइस, एंड करूं मैं पोल या और टाइम चाहिए तुमको? सर कर दो एंड, सर हो गया, हो गया इसलिए सर, रुक जाओ बाकी बच्चों भी बोल लो प्लीज तुम लोग, ओके सर, चलो एंड करता हूँ मैं, समझ लो पहले कैसे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सो सिक्स्थ क्वेश्चन का पोल एंड करता हूँ मैं, देखो एक बार सब रिजल्ट देख के गेस करो कितने लोग का सही है, हाउ मेनी गॉट द करेक्ट आंसर, सर कितने लोग का सही है, 11 लोग का इलेवन, सही है, दिव्यानी सिंह 11, नामिका सिंह 11, सर और फोर, बताओ मनोज सिंह 4, बाकी लोग बताओ, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, मनोज कह रहा है 4 का सही है, रहीमा 11, 3, अरे भूमि इज ऑल्सो सिंह 11, मैं भी हूं ना इसीलिए, अच्छा शिवांश इज सेइंग 7, प्राउड ऑफ यू माई माई बॉय, प्राउड ऑफ यू शिवांश भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, खाली 7 लोग का सही है, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी अनामिका, करेक्ट ऑप्शन इज सी गाइस, लेट्स ट्राई टू डू इट। देखो सादा सिंपल उच्च उच्चारों वाला क्वेश्चन था, जिसमें कॉन्सेप्ट का यहाँ पे थोड़ा सा यूज था और कुछ नहीं। सबसे पहली गलती जो बच्चे क्या करते हैं मैं तुम्हें बता दूं, वो यहाँ पे याद करके आते हैं एग्जाम में, तो उनको ऐसे याद रहता है हमेशा कि ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा और ये के कैप होगा, पहली गलती जो बच्चे करते हैं, तो तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, तुम्हें बता हुआ है मैंने तुमको, जब भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बताया है मैंने तुम्हें बताया है कि कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के डिफाइंड है, आई क्रॉस जे के डिफाइंड है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था, काफी इन डेप्थ नॉलेज दिया था इसका, तो एक्स के साथ हमेशा क्या होगा आई कैप, वाई के साथ क्या होगा जे कैप, और जेड के साथ क्या होगा हमेशा के कैप, ठीक क्लियर है कहानी सबको, नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, नाउ सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो अभी अगर मैं पूछूं तुमसे व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अरे यार इरिटेटिंग, सो इफ आई आस्क यू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग, तो रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, पहले तो डायरेक्शन बताओ, सोच के सब चीजें छोड़ दो, पहले डायरेक्शन में बात करते हैं, जल्दी से अपने अपने रिव्यूज दो चैट में, व्हाट डू यू फील, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, रिंग की वजह से, खाली रिंग की वजह से है ना मिस बा, नेंसी बताएगी, नेंसी बताएगी, वो नहीं आई क्या यार आज, दीक्षा नहीं आई है, एक्स देखो भाई मेरा कह रहा है एक्स, उसको आई जे के कैप मैंने दे दिया है ना, एक्स क्यों बोल रहा है, दीक्षा हाँ शी इज हियर इनवर्ट, देखो देखो देखो, जब तुमको मैं आई जे के कैप नहीं दूंगा तब तुम मुझे आई जे के कैप में आंसर देते हो,
एंड व्हेन आई एम स्पेसिफिकली गिविंग यू द IJK कैप देन यू वोंट गिव मी द आंसर इन IJK कैप ना, देन तुम बोलोगे इनवर्ड आउटवर्ड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, एक का भी आंसर सही नहीं है, एक का भी आंसर। क्या करूं मैं, और वेट करूं कोई देगा सही आंसर? मिसबा व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग? रिंग की वजह से पूछ रहा हूं। चल IJK तीनों दे दो, नहीं किसी का भी सही नहीं है। दिव्यानी ट्राई टू थिंक, चलो हिंट देता हूं भाई, करंट का डायरेक्शन रिंग में ये है। अब बताओ क्या होगा, ये होगा तो आई शुड राइट माइनस। हाँ तरुण ओके, अभी क्लियर है सबको वाई इट शुड बी माइनस आई कैप? क्लियर है बोलो यस और नो? यस सर क्लियर है। बोलो बच्चों बोलो, सो डायरेक्शन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द मैग्नीट्यूड। सो तुम्हें पता है सेमी सर्कुलर के लिए सर ने पढ़ाया है कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय, यार क्या हो रहा है आज तुम्हारी क्लास में, म्यू नॉट आई बाय कितनी होती है याद है किसी को? 4 पाई यही होती है बोलो। 4 पाई यस सर। यहां तक किसी को कोई क्वेरी कंफ्यूजन? अब देखो इस वायर की वजह से बताते हैं अपन, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट फॉर दिस वायर। लेट्स से ये वायर 1 है, लेट्स से वायर 2 है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज B1, B1 कितनी होगी भाई? B1 बताओ मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1? पहले तो डायरेक्शन बताओ, चलो चलो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना अपन, पहले डायरेक्शन बताओ, B1 का डायरेक्शन बताओ, देखें फिर मजा आएगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B1? -k. तरुण इज सेइंग -k, धीरज इज सेइंग -k, व्हाट अबाउट निदा, नैंसी, रहमा, वरुणी, विधि, व्हाट्स योर ओपिनियन? यशिका क्या होगा, सुमित, स्नेहा, मैं भी -k, सब -k, दीक्षा, दीक्षा पक्का सो रही है पता है क्लास वन करके। चलो इट शुड बी -k कैप, ठीक है। उसके बाद अब सेमी इनफाइनाइट वायर का केस है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेमी इनफाइनाइट? म्यू नॉट आई बाय कितना होता है बच्चों? 4 पाई आर। 4 पाई आर होता है, बोलो क्लियर है? ओ यार यहाँ पे तुम देखते नहीं हो मैं गड़बड़ लिख देता हूँ कुछ भी ना, कोई कुछ बोलेगा बैठे रहते हो, 4 पाई लिखा हुआ था उधर, आर लिखना था। यस सर, माफ कर देते हो ऐसी गलती के लिए, क्या टोके सर को। B2 क्या है? B2 का डायरेक्शन बताओ भाई, B2 का डायरेक्शन किधर होगा चैट में बताओ सब जल्दी से। B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, बताओ जल्दी से। -k। अरे k कैप होगा यार, ये -k क्यों बोल रहा है? B2 का तो k कैप होगा ना बच्चों? नहीं देखो ध्यान से। नो सर, नहीं होगा, -k ही होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? देखो -k ही होगा, सबको क्लियर है? हाँ ना ना बेटा, -k ही होगा, देख राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। या तुम्हें वो भी बताया ना मैंने, तो डीएल क्रॉस आर, तो तुम डीएल क्रॉस आर भी कर सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस इज आर, सो डीएल क्रॉस आर करोगे किधर आएगा बेटा? आशुतोष नीचे आएगा। यस सर, क्लियर है ना सनाया? इट शुड बी डीएल क्रॉस आर, नो डाउट इट शुड बी डीएल क्रॉस आर, सो यू विल बी गेटिंग डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर करोगे किधर आएगा? माइनस का k कैप कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। क्लियर है सबको ये? यस सर। अब देखो नीट में जो क्वेश्चन आया था वो बस यहीं तक था, दे हैव आस्क्ड यू द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों ने बहुत प्यार से नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दी थी, कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 4 आर माइनस का आई कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस का ही, म्यू नॉट आई 2 बाय 4 पाई आर के क्या, ठीक है। इसका जो आंसर था नीट के अकॉर्डिंग, जो नीट में आया था, दैट इज वो आंसर लिख रहा हूं मैं, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, तुम कॉमन लोगे, पाई नहीं यश आर होगा, 4 पाई आर तुम कॉमन लोगे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर आ रहा था उनका, पाई आई कैप प्लस 2 के कैप,
ये था आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये उनकी आंसर की एज पर देयर आंसर की दिस वाज द आंसर। बट अभी यहाँ पे मैंने तुमसे क्या पूछा था, व्हाट आई वाज आस्किंग यू ऑल, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुम्हें वेक्टर का, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो किसी को यहाँ तक कोई गड़बड़ कंफ्यूजन दिक्कत? अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे क्या है, व्हाट इज द कॉस थीटा, परपेंडिकुलर है, कॉस 90 है या नहीं, परपेंडिकुलर है दोनों, आई और के भैया परपेंडिकुलर है ना दोनों, नहीं है। सो आई जे के कैप के फॉर्म में जब भी चीजें होती है यू हैव टू ऐड। अरे यार शांत मत रहो यार प्लीज, ऐसे तुम लोग शांत मत रहा करो, कॉमा में मत जाया करो, उठो जल्दी, शैल वी मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे। ओके सर, करेंगे? यस सर, बच्चों कम ऑन, यस सर, छह क्वेश्चन किया अभी तुमने, इट्स नॉट एट ऑल वर्दी, छह क्वेश्चन तो तुम ऐसे कर लोगे 6 मिनट में, चलो मान लिया 3 मिनट भी मान लोगे, सो 6 3 18 18 मिनट हो गए, चलो आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन नहीं, ओ वो वो कूल क्वेश्चन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ यार अनामिका 6 ही हुआ, मेरी एफिशिएंसी बेकार होती जा रही है, करूंगा मैं कुछ काम अपने पर। सो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन, अगेन ये तो एज इट इज पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नहीं टाइमर की स्पीड में कैसे बढ़ाऊंगा, मेरे हाथ में ही नहीं। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स एन रोटेशंस पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर हैज मैग्नीट्यूड। देखो आंचल भाग भी, दीक्षा एक भी आंसर नहीं दे रही हो तुम, अच्छा वही नहीं क्लास में भी क्या बोल रहा हूँ। आयुषी क्लियर है चीजें? गुंजन, गौरव, गौरव बेटा कर रहा है ना, खुशदीप सही सही मार्क करना बेटा, खुशबू, कुमकुम, मनोज मिसबा को तो क्लियर है, नैन्सी, निदा भी कर रही है, प्रणव इज ऑल्सो डूइंग, राहिमा इज ऑल्सो डूइंग, सनाया, सना शिवांश कर रहा है, स्नेहा, स्नेहा बेटा डन, हाँ करेंगे यार, दो मिनट का करेंगे धीरज, अभी धीरे धीरे करेंगे, एक धीरे अपन रखेंगे एडवांस की क्लास इसी दिन। वरुणी, विधि, यशिका, उर्मिला जल्दी करो बेटा, पूछना है तो पूछ लेना। कर चुकी सर, कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, जिसने कर दिया है बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया है तुम भी कर लो जल्दी से। देखते हैं मैं पोल एक बार चेक करूं तुम लोग ने कैसा किया है। 7777777 ऐसे ही करो तुम लोग, अच्छे से पढ़ाई मन लगा के ढेर सारे नंबर लाओ, मस्त डॉक्टर बनना और फिर ढेर सारा चार्ज करना है ना, एक एक ओके सर प्रिस्क्रिप्शन का। हाँ सर बिल्कुल, तूने फील्ड चूज करी है, कौन सी चूज करेगा, या सीएससी ऐसे ही लेनी है, सीएससी लेनी है, हाँ, अरे मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी लेनी है, ईआई लेनी है, इलेक्ट्रिकल लेनी है, अब तो मेकेट्रॉनिक्स की भी अलग से चालू हो गई है, केमिस्ट्री वाले सर की सर्जरी करनी है, कोई नहीं मिसबा तू ऐसे लिख दे यार चैट में, अभी क्या रीजॉइन कर रही है तू, चलो टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, देखो कितने लोगों का सही है, अगेन 40 में से फिर 20 24 वोट करेंगे, और उसमें से कितनों का सही होगा सर, 6 देखते हैं यार, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है कहीं पे, एक सर्कुलर ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तुम्हें यहाँ पे बतानी है क्या मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता है कैसे बताओगे, जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो मतलब उसके साथ यहाँ पे कुछ करंट एसोसिएट होगा, बोलो इस डायरेक्शन में कोई करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहा है, कैसा मूव कर रहा है मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन, If electron is moving in this direction, so can I say current ka direction anti-clockwise hoga, bolo? Yes, sir.
बिल्कुल आई कैन से, है ना, बिल्कुल आई कैन से। सो एक बात बताओ, करंट को तुम कैसे डिफाइन करते हो? व्हाट इज करंट? पहले तो मैं लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई बाय टू आर होता है, ठीक है, रेडियस उसने दिया है आर, तो टू आर। सो आई की बस दिक्कत है यहाँ पे, अब तुम्हें आई पता है, आई क्या होता है? आई इज नथिंग बट क्यू बाय टी, टी तुम्हें पता है कितना होगा, ई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्यू इज ई, टी क्या हो जाएगा, टी होता है तुम्हें पता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी, होता है नहीं होता, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो आई इज नथिंग बट एनी, इसको इधर पुट कर दो, सो यू विल बी गेटिंग बी इज नथिंग बट म्यू नॉट एन ई अपॉन टू आर, तो लेमन स्क्वीजी था बिल्कुल। ओके, आई होप यू ऑल गॉट द आंसर। एक और करोगे, घर जाओगे? यस सर, एक और करोगे? चल भी दबा दो, करो फिर लो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, पोल इज ऑन योर स्क्रीन, कर लो। ओ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स ए ओ बी एंड सी ओ डी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर सो दैट वन इज अबव द अदर, ओ इज द कॉमन पॉइंट द वायर्स कैरी सर्कल। प्रैक्टिकल है कोई टिप्स? अरे प्रैक्टिकल में चीटिंग करके लिखते हैं, प्रैक्टिकल क्या टिप्स चाहिए तुम्हें? बढ़िया मैम, मैम को इम्प्रेस करके रखा करो यार तुम लोग तो, मेरे को तो मस्त नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में। The wire carry 11 and 12 currents respectively. Point P is lying at a distance D from O along the direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P. अरे बहुत इजी है यार, कर लो जल्दी से, जिसको क्वेश्चन ही समझ में आएगा वो बताना। कॉन्फिडेंस और एक ही चैप्टर तो आता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में यही बोल दिया जाता है, कोई भी एक चैप्टर प्रिपेयर करके आ जाओ। किसी को क्वेश्चन समझाना है क्या मुझे ये? अगर नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन देन। सोच सोच तरुण, मैं बता दूंगा, सोच तो एक बार, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तुती अभी क्लास में नहीं थी। ये हितेश कौन है यार, ये कौन सी क्लास ज्वाइन करता है? मेरी क्लास तो पढ़ता नहीं है कभी ये। सर कौन? एक लड़का है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। सर किस नाम से? हितेश। वो अवंती से नहीं है? अच्छा, तो ये तुम लोग ने एक सामूहिक ग्रुप बना रखा है। तो फिर ग्रुप में कैसे आ गया वो? नहीं अब रहने दे, निकालना नहीं रे, गुस्सा नहीं यार मनु, गुस्सा नहीं, शांत भाई शांत। ये मिसबा ने ऐड किया उसको? नहीं सर, वो शिवानी मैम के फ्यूचर डॉक्टर वाले ग्रुप पर गए तो उसमें लिंक शेयर करने की वजह से ऐड हो गए थे बच्चे। कोई नहीं कोई नहीं, हमको वही लगा यार, ये क्लास में तो आता नहीं है, हु इज ही? यस सर। चलो अगेन, आज यू ऑल कैन सी काफी लोगों ने कर लिया है इसको, आई थिंक ऑलमोस्ट 18 धर्मशाला बन गया। अरे यार फाइन यार, कुछ दिन चलता है, अच्छी बात है, एक डिस्कशन ग्रुप तुम लोग करते हो, मेरे को अच्छा लगता है, कम से कम सर को नहीं खून पीते हो। चलो टाइम सब एक्सप्लेन करना है क्या है क्वेश्चन? देखो इधर, देयर आर टू वायर्स, एक ए वायर है, एक ए वायर है, दिख रहा है देयर आर टू वायर्स, बोलो Everyone? Yes, sir. ये वायर है, ऐसे ही बोल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। हाँ यार मनोज, मनोज जिसको देख लिया अपन, आपको परेशान कर रहा है, पता है इसको? अच्छा, तो टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर्स, देखेंगे ध्यान से, एक ए ओ बी है, एक सी ओ डी है, काफी लॉन्ग बोल दिए तो कुछ भी मान लो, इसको मान लो दैट इज ए ओ बी एंड इसको मान लो इसे सी ओ डी, पूरी कहानी बस ये है कि ये ए पॉइंट है। अच्छा ये मिल नहीं रहे हैं ना, करंट इसमें इधर फ्लो हो रहा है, इसमें इधर फ्लो हो रहा है, ये मत समझना कि ये जंक्शन पॉइंट है, ये तो नहीं समझ रहे हो कि ये जंक्शन पॉइंट है? मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अदरवाइज तुम लोग समझोगे कि जंक्शन पॉइंट है।
इसको जंक्शन पॉइंट नहीं है, इसको मैं कैसे बनाऊं? अगर मैं प्रॉपरली बनाऊं फिजिक्स के प्यारे से रूल्स फॉलो करते हुए, तो मुझको यहाँ पे एक जम्पर लगाना पड़ेगा। अभी क्लियर है? इसका मतलब कि कनेक्शन नहीं है इन दोनों में, ठीक है? कुछ भी ऐसा करंट मान लो कि फ्लो हो रहा है, ठीक है? कह रहा है आई वन एंड टू करंट रिस्पेक्टिवली, पॉइंट पी इज लाइंग एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ओ अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगेन तुम्हें प्लेन्स की काफी अच्छी नॉलेज दी है मैंने, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो ऐसा बाहर निकला है ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, ये मान लो एक प्लेन है बच्चों तुम्हारा। सो इफ दिस इज अ प्लेन, इस प्लेन के आउटसाइड है ये चीज, ठीक है? तुम्हें पता है ना ये चीजें, ये एक अगर प्लेन है, सर्कल बनाया तो मैंने, क्या हो जाता है इसको कभी कभी, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिस थिंग इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। यहाँ पे तुमसे पी पॉइंट में मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हो, ये डिस्टेंस डी है। अब तुम अगर दोनों ही केस में देखोगे तो दोनों ही केस में इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो तुम्हें खुद ही देख के समझ में भी आ जाएगा कि अगर एओबी की मैं बात करूं तो एओबी की वजह से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बोलो यस और नो, और सीओडी की वजह से इस डायरेक्शन में भी आ जाएगा। अब तुम एओबी और सीओडी कहीं पर भी मान लो, दोनों की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे के क्या आएगी, परपेंडिकुलर ही आएगी, बोलो यस और नो। यस सर, परपेंडिकुलर। मैंने एओबी राइट माना है, सीओडी नीचे माना है, तुम कुछ भी मान के देख लो, तुम अगर इसको इधर भी मानोगे तो भी परपेंडिकुलर ही आएगी। तब क्या होगा, तब इधर आके किधर बताएगा, ऐसा ऊपर बताएगा, तभी एओबी ऊपर बताएगा, अभी एओबी नीचे बता रहा है, सीओडी राइट लेफ्ट बता रहा है, राइट बताएगा, सो ऑल इन ऑल यही खेलता रहेगा वो। तो तुम्हें कैलकुलेट करना है, तुम्हें पता है क्या होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, सो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी ये एक डायरेक्शन में होगा, कुछ भी इसको डायरेक्शन मान लो, लेट्स से आई कैप में या माइनस आई कैप मान लो, अपनी माइनस आई कैप में आ रही है तो इसको माइनस आई कैप मान लो, ठीक है? ये अगर आई वन है, ये अगर आई टू है, तो आई टू की वजह से किधर आ रही है, या थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया, आई टू की वजह से आ रही है माइनस ए कैप में, तो आई वन की वजह से किधर आ रही है, माइनस के कैप, जे कैप में, तो प्लस माइनस जे कैप में किसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से, दैट विल बी म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई डी। बस अब तो तुम्हें पता ही है यार, स्क्वायर करके रूट करोगे, यू विल बी गेटिंग आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर की होल पावर 1/2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? हो गया था सबसे, काफी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट करेक्टली, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या बोलूं मैं, 40 बच्चे थे, 40 में से 20 ने सही किया, 20 ने वोट किया, 11 का सही आया। एक और करेंगे या घर जाएंगे? चली गई दीक्षा, बोली अब नहीं सुन रही मैं सर, एक और बोलो भाई, जैसा तुम लोग की इच्छा, सब लोग बोल लो, मन हो तो करो, नहीं है तो मत करो, जा रहे हैं सर प्लीज। नो 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 सर, नेट खत्म सर, कल प्लीज सर, सर खत्म हुआ नेट तो, एक और कर लो। अच्छा हाँ सर, एक और करवा दो, एक और कर लो ठीक है, एक और कर लो, मैं एक और दे देता हूँ। कौन सा वाला कराऊ ये करो, चलो बस ये एक और कर लो, टाइमर नहीं रखना, बस मैं तेरे को टाइमर हटा दी। एक लास्ट डू दिस वन, देन गो, पक्का ट्राई विधि ट्राई करो इसको, देखो कह रहा है व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन रूम इट स्टार्ट्स विद द इनिशियल एक्सेलरेशन एट, ये लॉरेंट्स लॉ का क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ तुमसे। It starts from rest in a room. It starts with an initial acceleration a towards west. When it is projected towards the north with a speed v, it moves with an initial acceleration 3a towards the west. Bye, Kajal, bye. जिसको जाना है देखें वो, no worries यार, समझ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम practicals हैं, सब tension है तुम्हारे पास अभी। The electric and magnetic fields in the room are. वैसे practicals की tension क्यों लेते हो तुम लोग यार? मैं लीव क्या, आई थिंक यू आर सेइंग एनीथिंग दिव्यानी?
ठीक है रे बेटा। पोल नहीं, चैट में कर लो, नो वरी, चैट में तुम डिस्कस कर लो, एक डिस्कसिव क्वेश्चन टाइप का कर लेते हैं इसको, चैट में कर लो, देखो क्या कर रहे हो तुम लोग, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लो, देखते हैं क्या आ रहा है। ओके बहुत बढ़िया बच्चों, चलो मैं बताता हूँ। चलो देखो देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझो, इसको नहीं समझना है तुम्हें। अरे यार तुम्हें पता है इफ आई ड्रॉ द ईस्ट वेस्ट कोऑर्डिनेट्स फॉर यू, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पता है, यू शुड बी नोन टू दिस, सबको पता होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, तुम्हें पता है ये चीज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ रेस्ट इन अ रूम, कोई प्रोटॉन है अगर उसको अपन ने यहाँ से रिलीज किया है, देन इट स्टार्ट्स विद एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स वेस्ट, अब वो वेस्ट की तरफ इधर से जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। ये तो 110% फिक्स हो गया कि अगर यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेलरेट हो रहा है तो मतलब इस पे फोर्स इधर लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, क्योंकि हमने उसको मूव नहीं कराया था, रेस्ट से छोड़ा था, कहाँ से छोड़ा था, रेस्ट से। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो यस और नो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल गई, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इफ आई राइट इलेक्ट्रिक फोर्स इट्स नथिंग बट क्यू इंटू ई, बोलो इट विल बी क्यू इंटू ई, और प्रोटोन है तो आई कैन राइट ई इंटू ई, लिख सकता हूँ फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन ई इंटू ई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितनी आ गई, एम ए अपॉन ई, और नो डाउट किस डायरेक्शन में है, वेस्ट। सो इधर ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट और ए शुड बी करेक्ट, ए या बी में से ही कोई एक है। अब देख लेते हैं और कौन सा हो सकता है, फिर क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कह रहा है व्हेन इट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ स्पीड वी, मतलब यहाँ पे अगर इसको एक वी वेलोसिटी से अपन ने छोड़ा है, इफ वी आर गिविंग अ वेलोसिटी वी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक वी वेलोसिटी इसको दे रहे हैं, देन इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3a टुवर्ड्स द वेस्ट, 3a टुवर्ड्स द वेस्ट, ये डायरेक्शन किसका हो गया, एक्सेलरेशन का, मतलब फोर्स का डायरेक्शन है ये, किसका डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था। तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, देखो बी क्रॉस बी करोगे तो इधर आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए, अंदर, इट शुड बी इनवर्ड, बोलो होनी चाहिए या नहीं, इनवर्ड मतलब डाउन। तुम मैप को ऐसे देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो अब क्या हो गया, बाहर, अंदर जो जा रहा है दैट इज डाउन, सो अंदर होनी चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें पता ही है, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, सो एम इंटू थ्री ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्यू वी बी, बी कितनी आ गई देखो यहाँ से, 3ma अपॉन ev, हाँ 3ma अपॉन ev, ये क्या आया, एक मिनट, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी अपन ने, ठीक है, टू यहाँ पे, टू नहीं, सुनो मेरी बात, यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है अपने को, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स, बोलो There are the two force acting. इसमें कितने force act कर रहे हैं? दो force act कर रहे हैं. So you have to take care of it. कि हमने ऐसा नहीं किया कि electric field वहाँ से हटा दी है. Electric field भी है और magnetic field भी है. तो यहाँ पे इस पे Lorentz force लग रहा होगा. एक force जो इधर लग रहा है इसकी वजह से और एक force जो इस पे लग रहा है इसकी वजह से. Magnetic field की वजह से. So both force will be acting. So मतलब MA भी लगेगा और कौन सा और भी लगेगा? FE. एक मिनट मुझको लिख लें दो, सो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, ये हो गया ई वी बी, ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। सो अभी देखो ई वी बी और ये वाला फोर्स कितना था तुम्हारा, एम इंटू ए प्लस एम इंटू ए, ये दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगे, दीज टू फोर्सेस विल एक्ट, ई ई, ये दो फोर्स एक्ट करेंगे तब जाके नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना आने वाला है, 3a, क्लियर है चीज, अभी ये इक्वेशन समझ पा रहे हो, कैन यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन व्हाट आई हैव रिटन हियर, दो फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे बेटा, एक ये वाला करेगा, कौन सा वाला, मैग्नेटिक फोर्स, एक एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, तब इन दोनों फोर्सेस की वजह से इसका नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, 3a, बोल रहा है ना, व्हेन इट मूव्स विद एन इनिशियल व्हेन इट प्रोजेक्टाइल टुवर्ड नॉर्थ, तो V में इसकी तरफ दो फोर्स लग रहे थे इधर, तो उसकी वजह से इसने जो नेट एक्सेलरेशन गेन किया दैट इज 3a,
है ना। अब यहाँ पे यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो वैल्यूज अब सब्स्टिट्यूट कर लो, देख लो आंसर आ जाएगा। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तुम्हें निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, और ये बी की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो बी की वैल्यू देखो कितनी आने वाली है इधर से, इसको यू कैन राइट ई, ई को अभी अपन ने यहाँ से कितना लिखा था एम ए, इसको एम ए रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ई वी बी इक्वल्स टू थ्री एम ए माइनस एम ए, तो कितना आ जाएगा टू एम ए बाय ई वी। क्लियर है, बोलो आया समझ में या नहीं आया? है ना पक्का आ गया ना, कि सही से लिख के बताऊं इसको मैं, जल्दी जल्दी मैंने बता दिया। यस सर। क्या होगी सर, जो अपवर्ड होगी? क्या बेटा अपवर्ड क्यों होगी मनोज, सॉरी आशुतोष, अपवर्ड क्या लग रहा है देखो बता सर, उसकी जो डायरेक्शन अब देख, फिर तू आगे गया, डायरेक्शन तो आगे चल के चेंज हो जाएगी, ये कैसे घूम जाएगा, ऑब्वियसली ऐसा घूम जाएगा, बट उसने उसकी बात नहीं करी है ना। हाँ हाँ जानवी क्या हुआ, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ वहाँ नोट्स के लिए, मैं यहाँ से कंफ्यूजन ना रहे, टू एम ए बाय, चलो ठीक है एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर टू में बता देता हूँ, ठीक है। आई विल बी एंडिंग द क्लास, दोज हु वांट टू लीव दे कैन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स, पढ़ के आओ अच्छे से, ठीक है, बहुत पढ़ लिया है तुम लोग ने, कर लोगे अच्छा। थैंक यू सर, बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना यार। सेकंड क्वेश्चन ये वाला जानवी, दिस वन, ओके बाय 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 जानवी, दिस वन, हेलो, हाँ क्या दिक्कत है बेटा इसमें, देख तेको पता है लॉन्ग सोलेनोइड फॉर्मूला पता है तेको, b इक्वल्स टू म्यू नॉट n i नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻¹⁷, n की वैल्यू क्या बोल रहा है 100 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो 100 अपॉन 0.5, ठीक है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया था मैंने, सो आई हैव रिटन 0.5 और इनटू करंट 2.5 एम्पीयर, इसको सॉल्व किया डेसिमल से डेसिमल, 5 5 25, ये कितना हो गया 5 4 20 5 -7 + 2 -5, और फिर इसमें एक जीरो और ऐड किया -4 और पाई इनटू 2 6.28, आया समझ में अभी? हाँ सर। ओके okay.